नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे अमेजिंग वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपल पे लेटर का पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना सिखाऊंगा। जो दोस्तों सिंपल पे लेटर का पैसा आप जो है कि 0% चार्ज पर डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो कौन सी ट्रिक है, किस प्रकार से आप जो है कि 0% से डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा। यहाँ पर मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके हेल्प से आप जो है कि डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में पैसा डाल सकते हैं। या यूट्यूब पर आपको जो है कि बहुत सारे ऐसे वीडियो मिलेंगे जिसमें आपको जो है 200, 300 या फिर 90, 100 ऐसे आपको चार्ज लग जाएगा, बट यहाँ पर आपको 0 रुपये चार्ज लगेगा और डायरेक्टली आप बैंक अकाउंट में पैसा डाल सकते हैं। ठीक है, ट्रस्टेड है, कोई भी आपको यहाँ पर फेक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर आप जो है कि इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो चलो हम बढ़ते हैं हमारी मोबाइल स्क्रीन पर। आगे की प्रोसेस में हमारी मोबाइल स्क्रीन पर बताता हूँ कि किस प्रकार से आप जो है कि अपनी सिंपल पे लेटर का पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हमारे मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले आपको जो है कि सिंपल पे लेटर एप्लीकेशन में मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि आप देख सकते हैं मेरी 4500 लिमिट यहाँ पर दिखाई दे रही है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और मेरी यहाँ पर स्पेंड लिमिट भी 0 है, यानी कि मैंने अभी तक इसका कोई यूज़ भी नहीं किया है। तो फर्स्ट टाइम हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मुझे यहाँ पर एक ट्रिक का पता चला, इस वजह से हम यहाँ पर इस ट्रिक को यूज़ करके देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पर जो है कि जो भी लिमिट है इसको यूज़ करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि ट्रस्टेड है। उस एप्लीकेशन का नाम है मीशो। ठीक है, सबसे पहले आपको जो है कि प्ले स्टोर पर आ जाना है, मीशो एप्लीकेशन को डाउनलोड या इंस्टॉल कर लेना है। अगर इंस्टॉल है ऑलरेडी तो अपडेट जरूर कर लेना है। ठीक है, अपडेट करने के बाद ना आपको सिंपली इसको ओपन करना। ओपन करने के बाद ना आपको कुछ इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है कि जितने पैसे आपको ट्रांसफ़र करना है आपके इस सिंपल पे लेटर से बैंक अकाउंट में, वो उतने पैसे का आपको एक प्रोडक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो उस प्रोडक्ट का जो है कि सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं एक। तो यहाँ पर जो है कि मैंने 192 का एक टी शर्ट यहाँ पर सिलेक्ट की है आपको दिखाने के लिए, एग्जाम्पल के लिए। तो सिंपली इसको मैं बाय करता हूँ। बाय करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पर बाय नो पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर जो है कि आपको एक एड्रेस यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर जो है कि एड्रेस सही डालें, आप चाहे तो यहाँ पर नया डाल के यहाँ पर फेक एड्रेस भी डाल सकते हैं क्योंकि इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिलीवर टू एड्रेस पर क्लिक करना। उसके बाद में यहाँ पर जो कि आप देख सकते हैं आपके सामने बहुत सारे यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपके सामने दिखाई देगा पे लेटर का ऑप्शन। ठीक है, इस पे लेटर के ऑप्शन में हमारे पास में यहाँ पर सिंपल पे लेटर का है। यहाँ पर वॉलेट्स आप मोबीक्विक वगैरह पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर मोबीक्विक पे बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो वीडियो मैंने बना रखा है, आई बटन में आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपली मैं पे लेटर पर क्लिक करता हूँ। या पे लेटर पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कि सिंपल पे लेटर का आ रहा है, जिसका यहाँ पर आपको जो है कि 20% डिस्काउंट भी दिख रहा है। तो अगर आप जो कि यहाँ से शॉपिंग भी करना चाहते हैं तो शॉपिंग भी कर सकते हैं। सिंपली इस चेकबुक पर आपको क्लिक करना है। चेकबुक पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो है कि आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 192 की टी शर्ट थी वो 172 में आ रही है हमारी। और उसके बाद में यहाँ पर आप जो है कि कंटिन्यू पर करना है क्लिक। तो कंटिन्यू पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपकी समरी है, ऑर्डर समरी, वो दिखाई देगी। तो यहाँ पर 172 रुपीज़ हमें यहाँ पर पे करना है। तो पे नो पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर जो कि आपकी प्रोसेसिंग चलेगी, उस प्रोसेसिंग के बाद में आपके सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 172 का सिंपल पे लेटर की तरफ से हमें OTP वेरिफिकेशन देना पड़ेगा। तो यहाँ पर OTP आ रहे हैं, तो OTP हमारे पास में यहाँ पर आ चुके हैं। इन OTP को आपको जो है कि यहाँ पर एंटर करना है। तो इंटर कर देते हैं हम। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेस हो रहा है हमारा ऑर्डर। तो यहाँ पर प्लेसिंग ऑर्डर, ठीक है, तो थोड़े टाइम लगेगा। उसके बाद में यहाँ पर जो है कि आपका ऑर्डर यहाँ पर सक्सेसफुली कंफर्म हो जाएगा। 20% का डिस्काउंट भी आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद में आपको होम पेज पर आ जाना है मीशो के। मीशो के होम पेज पर आने के बाद में आपको जो है कि यहाँ पर जो माय ऑर्डर का सेक्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। माय ऑर्डर के सेक्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने जो है कि आपका ऑर्डर दिखाई देगा। तो उस ऑर्डर को आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है। तो इस ऑर्डर को हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका ऑर्डर के नीचे नीचे आपको दिखाई दे रहा है कैंसिल ऑर्डर का, ठीक है, कैंसिल ऑर्डर का। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको जो है कि यहाँ पर आपको एक रीज़न सिलेक्ट कर लेना है। नीचे नीचे आपको अदर का दिखाई देगा, तो अदर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ भी लिख देना है, रॉन्ग आइटम वगैरह। उसके बाद में कंफर्म प्रोडक्ट पर क्लिक करना है। तो चलो हम इस पर सारा फिल करके यहाँ पर आप जो कंफर्म प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो है कि आपका प्रोडक्ट है जो कि यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। तो अब आपको करना क्या है कि आपको अब यहाँ पर ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा है एड बैंक का, ठीक है। तो यहाँ पर एड बैंक का आपको यहाँ पर बैंक डिटेल्स ऐड करनी है। यहाँ पर आप चाहे तो इसको ऑर्डर कैंसिल करने से पहले भी बैंक की डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। तो मैं सिंपली ऐड पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने IFSC कोड, बैंक अकाउंट, कंफर्म बैंक अकाउंट, अकाउंट होल्डर नेम, ये सारा फिल कर देना है। यहाँ पर आप चाहो तो आपके पेटीएम पेमेंट बैंक भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, सारा फिल कर देना है ये।
उसके बाद में आपको जो है कि सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर 4 घंटे के बाद में आपके जो भी बैंक डिटेल्स आपने डाली है उसके उसमें आपका जो पैसा है वो आ जाएगा। मीशो को अभी कभी भी यहाँ पर आपका रिफंड नहीं रखता है, यानी कि आपको रिफंड जरूर कर देगा वो। यहाँ पर फेक एप्लीकेशन नहीं है, ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। तो कैसा लगा आपको वीडियो? वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करके जरूर जाना। मिलते हैं हम किसी और अनदर वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।